Bismillahirrahmanirrahim and assalamu alaikum students. Today's lecture for class 10, unit number 10, physics class 10th. So as in the previous lecture we discussed about the definition of frequency, time period, wavelength and amplitude. So our new question is question number 10. Make 20 MCQs other than given in book. So aapne unit number 10 se unit number 10 se aapne 20 MCQs banane hain from the topics. Exercise ke ilawa exercise mein jo questions diye gaye hain piche MCQs jo diye gaye hain uske ilawa aapne 20 MCQs banane hain aur neat copy mein phir ek copy SVT ke liye lene aur usme phir aapne likhni hai. Question number 11. Question number 11 hai, write the formula for finding slope of speed time curve. Speed time graph. So speed time graph wo hota hai. If we plot in a graph, the graph plotted between speed and time is called speed time graph. Speed time graph हम उसको कहते हैं. तो speed time graph किस तरह हम बनाते हैं. जो vertical axis होता है ये vertical axis है ना, या फिर y axis हम इसको कहते हैं. तो ये हम speed के लिए meter per second हो गए. और ये जो horizontal axis है ये हम time के लिए लेते हैं. ये हो गए 2 4 6 8 1 2 3 4. For example ये line हम इसी तरह लगाते हैं. क्योंकि graph के जरिए हमें दो quantities का पता चलता है कि how they are changing with respect to each other. तो ये हो गया. तो इस ग्राफ से हमें क्या मतलब है कि इसके जो मेन पर्पसेस है वो क्या है. इसमें ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप बनता है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इसी तरह मिलो जिस तरह वो इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम कर देते. सो ये एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया ये नहीं होगा, ये तमाम ये जो शेडेड एरिया में कर रहा हूँ. सो एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट, स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन और एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को. ये होगा. इसके बाद है इसके लिए जो फॉर्मूला है. चूंकि यहां पे हमारे पास स्लोप आ रहा है और वो स्लोप is equals to delta v divided by delta v. Since हमें ये भी पता है कि slope acceleration को represent कर रहा है, तो acceleration is the change in velocity. तो यहाँ पे speed जो है वो change हो रहा है ना. जब speed change होता है और इसका direction भी है, तो इसको हम velocity ले रहे हैं. So slope हम ऐसा भी लिख सकते हैं, acceleration is equals to delta v divided by delta v. So acceleration is equals to vf minus vi delta t है, pf minus T I. तो ये जो है वो इसके लिए फॉर्मूला बन गया. इसमें फिर आप एरिया भी फाइंड कर सकते हैं. एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, v इज इक्वल टू डेल्टा s डिवाइड बाय डेल्टा t है. ठीक हो गया. एरिया को फाइंड करने के लिए डेल्टा s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई डेल्टा t. यहाँ पे ये डेल्टा s है, डिस्टेंस है, और यहाँ पे चूंकि हम एरिया को फाइंड करें तो विड्थ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ जो है वो ले लेंगे 8 और ये वाला ले लेंगे. तो यहाँ पे हम एरिया लिख लेंगे और फिर ये सारा जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं. बट हमारा इससे कोई काम नहीं है, सिर्फ यहाँ तक काफी है. ये था क्वेश्चन नंबर 11. सो क्वेश्चन नंबर 12 है इक्वेशन ऑफ मोशन. यहाँ पे आप देखें इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन भी लिखा है, सेकेंड भी लिखा है और थर्ड भी लिखा है. किस तरह प्रूफ होते हैं, ऑलरेडी हमने प्रूफ किए भी थे. जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से भी प्रूफ होता है, और ग्राफिकली भी प्रूफ होता है. सिमिलरली ये भी इसी तरह है, मगर इसी के लिए आप लोगों ने ग्राफ बनाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन.
इसमें हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, और इसमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, व्हाट इज फ्री फॉल मोशन। सो फ्री फॉल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल मोशन, ठीक है, द मोशन इन विच द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। वो मोशन जिसमें एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट होता है और एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है, उसको हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं। इसमें ऑलरेडी अगर फर्दर हम वो डायग्राम ड्रा कर ले, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक डायग्राम हम ड्रा कर ले, इसके अंदर एयर है, ठीक है, ये स्टोन है और ये पेपर है, ठीक है, एक ही डिस्टेंस से अगर हम इसको फेंकेंगे तो स्टोन आ जाएगा और पेपर थोड़ी देर बाद जो है वो नीचे गिर जाएगा। सिमिलरली यही अपरेटस है, ठीक है, और ये विदाउट एयर है, विदाउट एयर है, स्टोन है और पेपर है, फिर दोनों एक साथ गिरेंगे। फ्री फॉल में जितने भी बॉडी होती है, लाइटर हो हैवी हो, वो एक रेट से नीचे गिरती है, तो ये होगा फ्री फॉल मोशन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, ये सारा का सारा क्लास 9 का कोर्स है, ठीक है। What is the value of acceleration due to gravity on the surface of Earth? Surface of Earth पे gravity की क्या value है? ठीक है? तो gravity की जो value है वो है 9.81 meter per second square. कभी कभार हम इसको 10 भी ले लेते हैं, ठीक है? For our convenience, अगर आप round off करते हैं तो 10 है, मगर average जो है वो यही हम लेते हैं, ठीक है? Question number 15 है, सिर्फ easy, एक line question है इसके, ठीक है? What is the value of acceleration? Of acceleration of gravity 8 foot per second square. तो feet में इसकी क्या value है? अच्छा, तो feet में अगर आप इसको convert करते हैं, ठीक है? So एक meter में तकरीबन 3.1 feet होते हैं, ठीक है? 3.1 almost 3.1 feet होते हैं। अगर वो multiply करते हैं, so gravity की value in feet जो है वो तकरीबन बनती है 32.2 feet per second. ठीक है, तो आपका ये एसपीटी खत्म हो गया। ये जितने क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए, ये 15 के 15 आपने नीट एंड क्लीन फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है, और मिड टर्म में जो एग्जाम होगा वो उसी में इस एसपीटी के नंबर उसी में आपने अहम जो है वो अगर काउंट करेंगे, तो इसको जो है वो सीरियस लें, ठीक है, और काइंडली ये काम जो है वो प्रॉपर वक्त पर जमा करें, फिर हम आपको टाइम बता देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।